बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़मीर इंजीनियर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल थंबनेल पे सही देखा। बैरिया इनक्लेव के अंदर 5 मरले का मैं आपको एक मकान दिखाने जा रहा हूँ, उसका नक्शा। अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो इस तरह का नक्शा रखिए, बहुत ही खूबसूरत। तो ये कारपोर्च शुरू होता है और अंदर जा के साथ ही सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तफसील बड़ी आसानी से आपको बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये आपका गेस्ट रूम भी कह सकते हैं आप, ड्राइंग डाइनिंग भी इसको कह सकते हैं। साथ ही कारपोर्च के साथ इसका दरवाज़ा खुलता है और उसके साथ में 2 कमरे सामने आ जाते हैं, जिसमें से 1 कमरे के साथ अटैच बाथ और आपका जो कपड़ वगैरह या अलमारियाँ वगैरह आप इसमें कपड़े रखने के लिए साथ में सेट कर सकते हैं। वाशरूम है और साथ में ही इसके आपका एक छोटा सा रूम आ जाता है, जिसको आप बल्कि ये किचन बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये 7.5 फुट बाई 12 फुट का इसकी चौड़ाई थी और बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 फुट की ओपन स्पेस दी हुई है। 2 मंजिला ये बनाया हुआ है। तो ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ, सीढ़ियाँ यहाँ से मुड़ती हुई ऊपर को जाती हैं और आपको एक नहायत ही खूबसूरत किस्म का जो है ना ड्राइंग रूम टाइप एक जगह ओपन स्पेस मिलती है। ये अभी ये तैयारी के मराहल में था तो मैंने कहा चलें वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। ये ऊपर की तरफ जाता है और सिर्फ एक ममटी ऊपर बनी हुई है, सीढ़ियाँ और छत आ जाती है। सेम उसी तरह जिस तरह नीचे एक आपका ड्राइंग रूम था, उसमें बेडरूम दिया हुआ है और साथ में बाथरूम भी बना के दिया हुआ है और बाहर वाली साइड पर फ्रंट पर टेरेस है छोटा सा। और आगे आप जाते हैं तो बैक साइड पर उसका एक रूम है जिसका व्यू बाहर से विंडो के थ्रू आपको बाहर से बड़ा अच्छा व्यू नज़र आता है और साथ ही अटैच बाथ इसके अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत मालूमात होती है। शुक्रिया।